बच्चों, हमने पिछले अध्याय में गांधी युग में देखा था कि भारत कैसे आज़ाद हुआ, कैसे हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन उसका जो भारत जब विभाजन हुआ तो उसका भी बहुत सा लोगों को दुख था। उसमें बहुत सारी परिस्थितियां जो है उस समय उत्पन्न हुई थी। विभाजन के समय कैसी कैसी परिस्थितियां होती वह देखेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे 1947 में जब भारत विभाजित हुआ था तो एक तरह से प्रसन्नता तो थी ही, लेकिन विभाजन के कारण उस पर ग्रहण लग गया, जिसे ग्रहण भी बोलते हैं। मतलब एक तरह से हम खुश तो थे लेकिन दुखी भी थे, क्योंकि विभाजन के कारण जो थी वह सांप्रदायिक हिंसा बर्बरता जो उस समय होने लगी थी। क्योंकि लोग उस समय ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जो है पाकिस्तान में जाके रहना चाहे तो वह पाकिस्तान जा सकता है, और वह पाकिस्तान में हिस्से में जो व्यक्ति आया था वह हिंदुस्तान में जाना चाहे तो वह हिंदुस्तान में भी जाके रह सकता है। इस तरह से भारत और हिंदुस्तान का विभाजन होने के कारण भी बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वह उजड़ भी गई थी। पलक झपकते ही बहुत सारी स्थितियां जो चेंज हो गई थी, जिससे लोग क्या है परेशान हो गए थे। और इसके साथ साथ व्यक्ति जो है इसमें जो बहुत सो के जो घर उजड़ गए थे और वे शरणार्थी बन गए थे। इस तरह से इसके बाद भी भयानक नरसंहार, हिंसा, विस्थापन का जो उदाहरण जो है इसमें इतिहास में नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने अनुभव किया था, जिन्होंने देखा था, उन लोगों ने अपने भाषा में, अपने वक्तव्य में उन्होंने ये सारी चीजें बताई। तो विभाजन के जो अनुभव थे, मौखिक स्रोत के आधार पर पुनर्निर्माण जो है हमने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। क्योंकि मौखिक स्रोत जो थे, क्योंकि बहुत से लोग थे जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, तो उस समय भी जो भाईचारा था वह भी बना हुआ था उस समय भी। लेकिन जो घटनाएं थी बहुत ही भयावह थी उस समय, जो घटनाएं थी जो कि विभाजन का भी कारण बना, जिसमें कि मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टिकरण की नीति को ने अपनाना, उनकी गलत मांगों को स्वीकार किया, सांप्रदायिकता की भावना और इससे क्या हुई थी, बढ़ती चली गई थी। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी, उन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, जिसमें 23 मार्च 1940 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के जो वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के इलाकों को स्वायत्तता की मांग जो है उस समय प्रस्तुत की गई थी, जिस तरह से मैंने अभी आप लोग को बताया था। फिर ब्रिटिश शासकों की जो कूटनीति, वही चीज़ जो है फूट डालो और राज करो की नीति, इस तरह से भारत का उन्होंने विभाजन करने के लिए प्रस्ताव रखा। यदि आपको आज़ादी चाहिए तो इसका विभाजन करना आवश्यक होगा। फिर इस तरह से ये प्रारंभ जब हुआ था तो उस समय आंदोलन की व्यापकता जो थी, अंग्रेजों को यह महसूस हो गया था, जैसा हमने अभी आपको बताया कि कुशल खिलाड़ी भी थे वे, शक्तिशाली के रूप में वे, और इस तरह से वे जो देश जो था उसको दुर्बल और विखंडित देश के रूप में छोड़ने की उन्होंने योजना बताई बनाई थी, जिससे कि भारत का विभाजन करने से यह जो है क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, जिसमें जो एकता की शक्ति है, यदि दोनों राज्य एक होते या दोनों देश एक होते या राष्ट्र एक होते तो अभी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में वे सामने आ सकते थे। फिर उसके बाद जो युद्धोत्तर के बाद घटनाक्रम का विभाजन में योगदान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को जो सहयोग की आवश्यकता थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। उस समय लॉर्ड वायसराय ने भी कहा था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगी हम आपको स्वराज प्रदान कर देंगे, लेकिन इस तरह से वे पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा एक शुरुआती जो कदम था वह इन्होंने वहाँ पर आगे बढ़ाया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उसे उन्हें संतुष्ट नहीं किया था।